जो तेरे संग लागी प्रीत मोहे रू बार बार तेरा नाम ले के रब से मांगी यही दुआ संग तेरे पानियों सा पानियों सा बहता रहूं तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं कि संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं तेरे एक इशारे पे तेरी ओर बैठो कैसे संग लो बढ़िया एकदम तैयारी कैसे चल रही है चलो बढ़िया है कौन कौन से मैच से पढ़ रहे हो यकीन से बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है एकदम जोरदार अच्छा आप लोग रिवीजन वगैरह करते हो कि नहीं कितने लोग एक वीक में एक बार पुराना रिवाइज करते हैं तेरा क्वेश्चन मत पूछो डर लगता है नहीं भाई क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो आप कुछ सीखोगे और फिर सिलेक्शन में काफी चीजें आपकी हेल्प करेंगे बताएंगे तो हर वीक नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप ये ट्राई करो कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप अपना थ्योरी वाला पार्ट कवर करो और सैटरडे को जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो देखो आपको क्या करना पड़ेगा आपको मल्टीपल रिविजन बहुत करने पड़ेंगे चैप्टर के भी करने पड़ेंगे चैप्टर के बाद भी करने पड़ेंगे है ना जैसे मान लो आपका कोई एक चैप्टर चल रहा है तो चैप्टर चलते टाइम तो आप कंटिन्यूअस लेक्चर तो कवर कर ही लेते हो है ना लेकिन जब वो चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद जब 10-15 दिन बीत जाते हैं तब हमें लगता है कि यार वो पीछे वाला कुछ याद नहीं आ रहा है यही होता है सबके साथ ही है ना तो वो इसलिए याद नहीं आता है क्योंकि हम बार बार रिवाइज नहीं करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिविजन करोगे चीजें आपके दिमाग में रहेंगी क्योंकि जब तुम एग्जाम देने बैठते हो ना तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दिमाग है ना यही लेके जाते हो ना वो है कि नहीं है हाँ है ना बस उतना ही चाहिए थोड़ा भी काम हो जाता है बच्चों को आप प्रश्न पूछो बच्चे हमारे बताएंगे आपके अरे सर क्या बात है हाँ सर गुडीज है ना अपन एक काम करते हैं बढ़िया मजा आएगा एक फिजिक्स का सवाल पूछेंगे एक केमिस्ट्री का जो दोनों सवालों के सही आंसर देगा उसको बढ़िया बेहतरीन गुडीज मिलेगी ठीक है मजा आएगा बायोलॉजी नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री से बायो तुम्हें आती है यार सगल से ही लग रहा है तुम्हारे बायो आती है सर एक पहले फिजिक्स का फिर मैं केमिस्ट्री का पूछूंगा और एक गुडीज आपकी तरफ आ रही है आपकी स्क्रीन पर लो हेलो क्या हाल चाल चलो कैसे हो पढ़ाई एकदम मस्त चल रही है तो जयपुर के लोगों में आग थोड़ी कम दिख रही है इस बार यार आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा है यार आवाज एकदम गूंजनी चाहिए भाई ठीक है कैसा कर रहे हो रिवीजन सही चल रहे हैं क्लास सही कर रहे हो तो अब विद्यापीठ आ चुका है ऑफलाइन समझ रहे हो ना पीडब्ल्यू एकदम फोर रहे हैं ऑफलाइन में विद्यापीठ पीडब्ल्यू जयपुर और तुम लोग एकदम तैयार हो जाओ ठीक है चलो इसमें बहुत सारी क्वेश्चन है बहुत सारी क्या क्या चीजें सर इसमें बहुत सारी चीजें एक दो अरे बेटा बहुत सारी चीजें एक एक निकाल के देंगे अपन पांच को कितने को चाहिए आंसर बहुत बड़ी आंसर बताना आंसर कितने लोग देने वाले हैं चलो जो अरे सबका हाथ खड़ा होना चाहिए आप सवाल पूछो तैयार है एकदम कौन बताने को तैयार है हाथ खड़ा करो हाँ पहले हाथ खड़ा करो ये बताएगी हाँ चलो सबसे पहले क्या टॉपर है क्या मिल गया अच्छा तुम लोगों को पहले मिल गया क्या जिसको नहीं मिला वो बताओ उसमें अधूरा इन्हीं लोगों का आंसर होगा उसमें अधूरा अच्छा उसमें अधूरा है भाई इसमें बहुत सारा चीज है ऐसा है क्या इसमें बहुत सारा चीज है चलो फिजिक्स मेडिकल वाले थोड़े कम ही बताते हैं तो केमिस्ट्री से ही शुरुआत कर लो कहीं मिल जाए लो पंकज सर शुरू करो पूछ लो क्या क्वेश्चन किसका पूछू पीसी उसी आई उसी कौन ज्यादा स्टेबल होता है सही बताया सर
अब ये तो पहले ले ही चुकी है सर, कोई और देखिए ना। फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स का पूछ लो। और एक फिजिक्स बेटा। अच्छा कौन सा चीज बताओगी? चलो बताओ, स्मूथ सरफेस पे प्योर रोलिंग कर सकता है क्या कोई बॉडी? अभी पूछ लिया, आंसर बताओ। मैंने पूछा स्मूथ सरफेस पे प्योर रोलिंग हो सकता है, आंसर यस है नो? नो है यस? यस हो सकता है अगर वो हॉरिजॉन्टल हो तो। गलत हो गया। हो सकता है बोल रही है ये बच्ची, यार अभी भी दोनों सही कर दी, इसी को मिलने वाला है। हाँ सही है क्या इसके? रीजन बता सकती हो क्या? रीजन से मतलब नहीं है, देखो नीट वाले सर आंसर बता दिए बहुत है। दे देते हैं। अब ये जेई वाले थोड़ी है बेटा जो रीजन बताते रहेंगे, है ना? चलो आंसर दे देंगे। क्या बोल रहे हो? सर इधर से पूछ लेना जरा, पीछे वाले इंतजार कर रहे हैं। पीछे वाले क्या बताने वाले हो? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है? हो गई? थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो बताओ, लेकिन दूसरा का है देने के लिए। आंसर बता दो बस। ये इस पर पूछो ना। नहीं बताया, ये नहीं बता रहे। कैनरी येलो कलर का एक कंपाउंड बनता है फास्फोरस के एस्टीमेशन में, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। चलो लव फिजिक्स पूछ ले। फिजिक्स का? अच्छा ये तो आप गलत हो गए। फिजिक्स बताओगे? तो एक से आधा मिलेगा फिर इसको, किसी और से पूछेंगे। और कोई बताएगा? चलो फिजिक्स पूछो। ये फिजिक्स का। चलो इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, बताओ नॉर्मल का टॉर्क क्या होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट? इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, बताओ नॉर्मल का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा? कितने लोग बोल रहे हैं जीरो? हाथ खड़ा करो। हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हो, ये भी कह रही। कितने लोग बोल रहे हैं नॉन जीरो? हाथ खड़ा करो, बाकी मजे लेने आए हैं। बाकी क्या कर रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं आंसर? नहीं कर रही है। क्या जीरो? जीरो आंसर नहीं होता है बेटा, यही तो दुनिया को जो पता चलता है वो नहीं होता है। नालायक मत करो, एमआर सर के बारे में ऐसे मत बोलो, सर बहुत अच्छा तगड़ा काम करते हैं। हाँ बोलो भाई। आ रहे आ रहे। नॉर्मल का टॉर्क बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सबको लग रहा होगा ये कैसे हुआ, नॉर्मल तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, घर जाके पढ़ना बेटा, इसलिए तो पूछा था। नॉन जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि रिजिड बॉडी डायनामिक्स में वो बॉडी रुकी रहता है। सर को देना देखो, एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछा ना, तुम तो आंसर कर रहे थे जीरो, लेकिन होता नहीं है जीरो, इसलिए तो पूछा था। और कुछ पूछो। क्योंकि रिजिड बॉडी है तो वो रहेगा नहीं इक्विलिब्रियम पे, वो रोटेट कर जाएगा अगर नॉर्मल का टॉर्क हुआ तो, नॉर्मल शिफ्ट करता है वहां पे, ये कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल शिफ्टिंग है। चलो एक आसान सा बताओ, आसान। रेडी हो? Yes, चलो एक बॉडी है, चलो सर आसान है तो हाथ खड़े करा लूं तो सबको दे। कौन बताओगे हाथ खड़ा करूं? सर ये वाला क्वेश्चन भी आसान था, जीरो बोल तो रहे। अच्छा, चलो ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, क्या है? और कोई फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है? बताओ ये बॉडी है स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ का मतलब समझते हो ना तुम लोग? फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? भागने लगेगा आगे, है ना? बताओ ये टॉपल करेगा क्या? स्मूथ है, स्मूथ करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा। इसीलिए तो पूछ रहा यार, तुम लोग ढंग से पढ़ो फिजिक्स। अब सुनो, इसीलिए तुम्हें पीडब्ल्यू विद्यापीठ में आने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे चीज की डिस्कशन हम करते हैं जो बच्चों को दुनिया नहीं बताता है, समझ गया ना बेटा? तो जयपुर में हम ऑफलाइन विद्यापीठ इसीलिए लाए हैं कि हमारा कंटेंट दुनिया को पता चले कि हम इतने सुपर हीरो एक साल में कैसे बन गए। तो फिजिक्स वाला जो काम कर रहा है वो चीज आपको पता चलना चाहिए। दो क्वेश्चन में पता चल गया ना? सारे इधर उधर बगल बगल में पढ़ रहे हो ना, तो आप पीडब्ल्यू में क्या होगा समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे भी टॉपलिंग होता है और वहां पे भी नॉर्मल का टॉर्क जीरो नहीं होता है। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू।